चीजें व्यक्ति को नरक लेके जाती हैं, सीधा नरक लेके जाती हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों चीजों की अधिकता है वह व्यक्ति सीधा नरक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप सत्संग सुनो, आप हरि की कथा सुनो, क्योंकि जब तक हरि की कथा हमारे ध्यान में नहीं आएगी, हमारे कान में नहीं आएगी, बाबा गोस्वामी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा कथा नहीं सुनता, श्री राम जी की कथा नहीं सुनता, ऐसे व्यक्ति के कान मनुष्य के कान नहीं होते। अब गोस्वामी कहते हैं अरे उसके कान तो सांप के बिल के समान है जो लोग कभी भगवान की कथा नहीं सुनते। अरे भगवान ने हमें दुनिया में मस्त होने के लिए नहीं भेजा, केवल भगवान ने हमें और भी काम करने के लिए भेजा है। दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटे। शास्त्र कहता है कि नियम ये होता है कि आप 12 घंटे अपने काम करें और 12 घंटे आप भगवान का भजन करें, पर हम नहीं कर सकते 12 घंटे। आप 12 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 6 घंटा भगवान का भजन करो, बाकी के समय आप कुछ भी करो, हम 6 घंटा भी नहीं कर पाते। 6 घंटा भी छोड़ो, आप 3 घंटे भगवान का भजन करो और आप 21 घंटे कोई भी काम करो, लेकिन हम 3 घंटे भी भगवान को नहीं दे पाते हैं। अरे हम तो 1 घंटा भी भगवान को नहीं दे पाते हैं। मंदिर भी जब जल का लोटा हाथ में लेकर मंदिर जाते हैं ना, तो वो चप्पल भी ऐसी जगह पे उतारते हैं कि जहां से मंदिर में भगवान भी दिखाई दे और चप्पल भी दिखाई दे। इतना ध्यान शिवजी पर जल चढ़ाने में नहीं होता जितना ध्यान उन 50 रुपए की चप्पल पे होता है, कि कहीं कोई कहीं ऐसा ना कि मैं बाबा जी पर जल चढ़ाता रह जाऊं और पीछे से कोई चप्पल निकाल के ले जाए। ईमानदारी के समय आप जब भगवान के समक्ष जाएं, चाहे आप 1 मिनट के लिए भगवान के समक्ष जाएं, लेकिन उस 1 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के बन जाएं, आप अपना नाम भूल जाएं, अपना पता भूल जाएं, अपना सर्वस्व भूल जाएं और आप एक ही बात याद रखें कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। लेकिन हम अक्सर लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? अक्सर लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान से कुछ मांगना होता है। सुबह सुबह 2 अगरबत्ती जला दी, 4 चुनौरी भगवान के सामने रख दी और 4 चुनौरी भगवान के सामने रखकर फिर कहते हैं आज मेरी फैक्ट्री का पहला दिन है, भगवान थोड़ा ध्यान रखना, कोई नुकसान ना हो जाए।
आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, कोई नुकसान ना हो जाए। भगवान कहते हैं अरे इसे तो मांगना भी नहीं आता। हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भगवान से डिमांड करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भगवान से डिमांड करते हैं। भगवान बड़ा हंसते, हम भगवान से पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, धन मांगते हैं, पति मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, लेकिन कभी अपने आप से प्रश्न करना कि क्या आपने कभी भगवान के पास जाकर भगवान से भगवान को मांगा? क्या आपने कहा कि भगवान आप मेरे घर आ जाओ? जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान से अपनी सहायता लेने के लिए आए महाभारत के युद्ध के समय, तो दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग ली। अब भगवान केवल अकेले बचे हैं, अर्जुन के हिस्से में भगवान आ गए और भगवान की पूरी सेना दुर्योधन के पास चली गई। तो भगवान चुटकी बजा के हंसने लगे और कहने लगे, अरे अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। अरे दुर्योधन तो सब कुछ ले गया, अब तू मेरा क्या करेगा? और मैंने तो घोषणा भी कर दी है कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, आप कहते हो हार निश्चित है मेरी, हरदम रहूंगा उदास। नहीं प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं उदास। और माखन लेकर अर्जुन क्या करे जब माखन चोर है पास? जय हो, जय हो। हम माखन माखन का क्या करेंगे जब माखन चुराने वाला हमारे घर में बैठा हुआ है? महाराज, हम तो जिस समय कहेंगे लाकर माखन हमारे हाथ में दे देगा। तो हमें लालचों में नहीं फंसना है, हमें माखन मिश्री के लालच में नहीं बल्कि माखन चोर के लालच में फंसना है। और भगवान से कहना कि प्रभु हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें देना चाहते हो तो हमें खुद को दे दो, आप अपने आप को हमें दे दो, जिससे लेने के बाद जीवन में कुछ मांगना बाकी ना रह जाए। लेकिन शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास जाकर भगवान की डिमांड करते हैं, वरना हम तो सांसारिक चीजों में ही इतना मग्न हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि बाकी की चीजों का हमें ध्यान ही कहाँ रहता है।